हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनूप। दोस्तों, दबंग 3 रिलीज़ हो चुकी है लास्ट वीक ऑन फ्राइडे, और सलमान के फेवरेट यानी आरती सक्सेना जी से दबंग 3 के बारे में ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरती जी ने देखा है दबंग 3, आइए उनसे पूछते उनकी मन की बात, उनको दबंग 3 और सलमान खान कैसे लगे। आरती जी, वेलकम टू बॉलीवुड वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, दबंग 3 कैसे लगी आपको? एक्चुअली बोलूँगी तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी इस फिल्म का। ओके। और मैं सलमान की फ़ैन हूँ, तो इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी। जर्नलिस्ट है लेकिन फ़ैन भी है, एडमायरर भी है। जर्नलिस्ट हूँ और मैंने उनको हम आपके कौन के टाइम से देखा हुआ है। ओके। पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था तब वो हम आपके है कौन में काम। वाह, हम आपके अकाउंट के टाइम पे आपने उनका पहला इंटरव्यू किया था? तब तो और भी हैंडसम दिखते होंगे ना वो टाइम पे। तब भी मतलब वो इतने फेमस नहीं थे जितने अभी हैं। okay. लेकिन तब से वो मतलब मुझे पसंद थे। okay. कि वो अच्छे एक्टर है, अच्छे इंसान है, जबकि उस टाइम पे उनका रेपुटेशन थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन गुस्से वाले थे, जर्नलिस्ट लोग का इंटरव्यू भी नहीं देते थे। आपसे भी गुस्सा होते थे? नहीं, वो मतलब क्या ना, इंटरव्यू ही नहीं देते थे, बहुत मुश्किल से इंटरव्यू देते थे वो। इतना ज़्यादा उनका मीडिया के साथ भी उतना, लेकिन अब तो मतलब समझ लो जमीन आसमान का फर्क है। अब तो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, गुस्से का खून भी बोलते पी जाते हैं। लाइक मतलब मीडिया फ्रेंडली हो चुके हैं, मीडिया फ्रेंडली हो चुके हैं, बुरे से बुरी को भी वो इतना रिएक्ट नहीं करते जितना पहले करते थे। ओके। अभी तो बहुत अच्छे हो गए पहले। ओके। चलिए दबंग की बात करें तो दबंग 3 देखिए आपने, कैसे लगी? तो वही दबंग की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलना कि पिक्चर मुझे खास नहीं लगी। क्या बात कर रहे हो? पहली बात तो इसमें एक मैं बोलूँगी, सलमान की कोई गलती नहीं है क्योंकि सलमान ने इस पिक्चर में बहुत मेहनत की है और वो मेहनत दिख रही है। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को हर इसमें पेश किया, हर सीन में डांस के स्टेप्स भी बहुत हार्ड थे, मतलब बहुत मेहनत की और वो दिख रहा है और हैंडसम भी लगे हैं। ऐसा भी नहीं कि दबंग है तो मतलब लाइक पहले के फिल्म से कम हैंडसम लगे या ऐसा, ओवर एंड ऑल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन है ना कहीं स्टोरी वीक जा रही थी। एक तो कैसा है कि पूरे पिछले ही सब दबंग का उन्होंने उठा लिया, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें कि मैं बोलूँ कि कुछ नया था। से इंटरवल तक पिक्चर बहुत स्लो जा रही थी, मुझे एक मिनट के लिए सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या ये प्रभु देवा का डायरेक्शन है, क्योंकि प्रभु देवा साउथ के लोगों का डायरेक्शन बहुत कड़क होता है, सीन बाय सीन, यानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अब इस सीन के बाद क्या सीन होगा। लेकिन इसमें कैसा हर सीन है ना, ऐसा लग रहा था काफ़ी स्लो मोशन में जा रहा है। वो स्लो मोशन सॉन्ग था ना भारत का, वो इधर दिखाई दे रहा था तो मतलब इसलिए ऐसा लग रहा था, पब्लिक भी सोच रही है अरे ये सब तो मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं लग रहा था। इंटरवल के बाद जाके पिक्चर ने ग्रिप पकड़ा, तो मतलब धीरे धीरे वो भी क्या हुआ, ग्रिप पकड़ने में भी टाइम लग गया। तो एक घंटा जो लास्ट की पिक्चर है वो पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन सलमान के फैंस से तो सबको अच्छी लगेगी, एक बार तो देख ही सकते, ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस था उसमें नहीं मज़ा आया। हाँ, ओके। किच्चा सुदीप है विलन थे, वो कैसे लगे? किच्चा सुदीप मतलब अगर बोलने जाएंगे तो कहीं कहीं सीन में वो सलमान के एकदम टक्कर के लग रहे थे। क्या बात है। जबकि उनको देखा मैंने इसमें मतलब प्रोग्राम्स में देखा तो एक नॉर्मल इंसान दिखते हैं, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंटेशन उनका इतना अच्छा है कि सलमान के साथ खड़े रह रहे थे ना तो ऐसे कम नहीं लग रहे थे, 19-20 नहीं लग रहे थे, 20-20 लग रहे थे दोनों। क्या बात है, इक्वल लग रहे थे एकदम। मतलब इनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी है, और वो जो रॉयल दिखाया ना, रॉयल विलन, वो उन्होंने दिखाया। ओके। अगर अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनको सही ढंग से चांस देना तो वो एक नए, अगर मतलब साउथ में तो वो हीरो हैं, इसमें वो विलन बन के आए हैं, लेकिन अगर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको अच्छे से चांस मिला तो वो ना एक मतलब अच्छे विलन के रूप में सामने आएंगे। वो ये फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यानी अगर सलमान की जितनी तारीफ हो रही है ना उतनी उनकी हो रही है। क्या बात है। चलिए झटपट सोनाक्षी जी और साई मंजरेकर कैसे लगे वो बताइए। साई मंजरेकर है वो इनोसेंट लगी, लेकिन उनके लिए ज़्यादा काम नहीं था पिक्चर में, बहुत मेरे को लगता है काफ़ी कम शॉट्स थे। और सोनाक्षी तो अपनी है ही, लेडी दबंग। लेडी दबंग। चलिए ब्यूटीफुल लगी है और कलरफुल साड़ियाँ पहनाई है, कलरफुल ड्रेसिंग है, मतलब मस्त लगी है वो, अच्छी लगी है। और उनका इनोसेंट चेहरा है ना दादागिरी वाला, वो मस्त लगा। चलिए जाने से पहले कितना स्टार्स देंगे आप दबंग को? आउट ऑफ 5? देखो मैं सलमान की फैन हूँ तो 4 ही दूंगी चाहे पिक्चर कैसी भी हो। चलिए ठीक है, आप सलमान के लिए आपने 4 दिया। आप सलमान के फैन ना रह के एक बार सोचिए एज अ न्यूट्रल पर्सन, कितना स्टार्स देंगे आप? 3। एक कटाया यार, एक। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच आरती जी। होता है ना सलमान की फिल्म के लिए मन ही नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच आरती जी, दिस इज सोनू साइनिंग ऑफ, बाय बाय।